सी जब जंग के बाद विलकोक वापस आए तो उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना है कि इराक में होने वाले एक धमाके में इनके सर पर चोट आई जिसने नफसियाती असरात छोड़े। इसके अलावा इनकी टांग भी जाया हो गई। ये मस्नूई टांग के सहारे चलते हैं। मेरी याददाश्त अब बिल्कुल वैसी नहीं जैसे कभी हुआ करती थी। जब भी मैं बात करता हूँ तो अल्फाज ही गायब हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें PTSD है, जिसकी तशखीस जंग से वापस आने वाले अक्सर अमरीकी फौजियों में हो रही थी, मगर कुक जानते थे कि उनके सर की चोट सिर्फ नफसियाती नहीं थी। They didn't give me all my options, उन्होंने मुझे पूरी बात ही नहीं बताई। वो ज्यादा कोशिश ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मुझे PTSD है, क्योंकि उनके स्कैन में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी नजर ही नहीं आ रही थी। डॉक्टर स्टीफन जेनाकिस एक माहिर नफसियात हैं जो फौज के ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। उन्होंने विल कुक के केस का मुआयना किया और इतनी तफसील से जिसका वक्त अक्सर फौज के डॉक्टर्स के पास नहीं होता। You've got the culture of the military. फौज में रुझान ही इस बात का है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जंग के मिशन पर भेजा जाए, जो कि उनका हकीकी मानों में काम है। अफगानिस्तान में हाल ही में अमरीकी फौजी स्टाफ सर्जेंट बेल्स के हाथों 17 अफगान शहरियों की हलाकत के वाकये के बाद इनके शहर वाशिंगटन के उस फौजी अस्पताल के किरदार के बारे में तफ्तीश शुरू हो गई है, जिस पर इल्जाम है कि कई सौ साबिक फौजियों के केसेस में इस अस्पताल ने PTSD तशखीस की, जो बाद में गलत साबित हुई। नाकदीन का कहना है कि ये फैसला इलाज के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से किया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि खामी सेहत के निज़ाम में नहीं, मगर माहिर नफसियात डॉक्टर जेनाकिस कहते हैं कि इसका ताल्लुक पैसे बचाने से भी हो सकता है और मरीज के साथ कम वक्त गुजारने से भी। क्या इसका ये मतलब है कि ज्यादा हसास होकर इस मसले को देखने की जरूरत है? यानी अगर मरीज के मसले को बड़ा समझा जाए तो बेहतर है, बजाय इसके इसे अहमियत ना दी जाए। कुक पर जो इलाज किया गया उसका नाम था हाइपोबेरिक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। इससे कुछ फर्क पड़ा? अब मेरे सर में दर्द नहीं होता और कानों में भी आवाजें आना बंद हो गई हैं। अल्फाज भी बेहतर सुनाई देते हैं और दिल की घबराहट भी कम हो चुकी है। इनका वापस फौज में लौटने का कोई इरादा नहीं। चंद दिन पहले तक तो इन्हें फोन नंबरों जैसी चीजें भी याद नहीं होती थीं। अभी ये कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। सन 2002 से लेकर सन 2008 तक तकरीबन 4 लाख फौजियों को जहनी मसाइल का शिकार बताया गया। इन 4 लाख में से 92,000 की हालत PTSD के तौर पर डायग्नोज की गई। लेकिन जिस किस्म के इल्जाम फौजी हस्पतालों पर आज उठाए जा रहे हैं, उससे बहुत मुमकिन है कि इनकी हालत PTSD से कहीं ज्यादा संजीदा हो। अब्दुल अजीज खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।